गाइज आपने देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पे एनर्जी पैदा करने के लिए एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना इन सबसे आगे गुजर चुका है। उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल बनाया जिसको ईस्ट कहा जाता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टरी टेकामॉक। इसको कहते हैं क्या, ये बेसिकली क्लीन बिजली के लिए सोर्स के तौर पर यूज किया जा रहा है। चाइना ने अपना एक तरह से सूरज बनाने की कोशिश की है। इसमें होता यह है कि जब सूरज से जमीन पे जो किरणें गिरती हैं जिसको हम रोशनी कहते हैं, वो समझ लें उनका जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि आप अंदाजा कर लें कि 40-50 का जो होता है सिंपल वो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले में 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ सेल्सियस जो टेम्परेचर है, उसके मुकाबले में जो चाइना ने अपना बनाया ईस्ट, वो 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि इस हीट को वो कंट्रोल कर सकता उसका सिस्टम। अब होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो है ना हाई टेम्परेचर से और हाई वोल्टेज से जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल फ्यूजन होते हैं तो फिर उसके अंदर से बनती है हेलियम। वैसे भी सूरज के अंदर हेलियम की जो गैस है, जो चीज़ है जिसको जो हीट करती है, जो बलून के अंदर भी भरी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको प्रोसेस करना, उसको जनरेट करना होता है, उसको जो जनरेट होती है उसी से ही एनर्जी और बिजली बनाने का जो इन्होंने काम किया है, वो अभी तक इसके ऊपर $1 ट्रिलियन लगा चुके हैं। यानी कि इसमें सिर्फ अगर अपना 1% भी वो पाकिस्तान को दे देते हैं कि तो उसके कर्जे भी उतर सकते हैं, लेकिन वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर लगे रहे हैं। इसको अगर देखा जाए तो कितना कामयाब हुआ कितना नाकाम। अभी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उनके मुताबिक उन्होंने कोई 5 मिनट तक इसको कंट्रोल कर लिया था। यानी कि सूरज को अपनी एक बिजली बना के, अपनी इतनी स्पीड वाली बिजली के यानी कि 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस को कंट्रोल करने की मशीन इन्होंने बना ली है और इसके ऊपर $1 ट्रिलियन लगा चुके हैं। और अगर ये इनका मनसूबा कामयाब हो जाता है तो कोई शक नहीं इनकी जो बिजली है ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तकरीबन, और समझ लें कि 5 रुपए 2 रुपए यूनिट के हिसाब से इनको पड़ेगी सिर्फ इनको कंट्रोल करना आ जाए। और इसमें अगर कहा जा रहा है कि सीधा सीधा कुदरत से खिलवाड़ है, यानी कि हमने ऊपर वाले को पंगा ले लें, सूरज को पंगा, अपना आर्टिफिशियल एक सूरज बना लेंगे ये लोग, अगर इसमें ये कामयाब हो जाए। वीडियो पसंद है तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।